नमस्ते, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पायल्स किचन में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं काजू मसाला, काजू करी। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। काजू मसाला बनाने के लिए हमने दो मीडियम साइज के प्याज कट करके लिए हैं, 1 मीडियम साइज टोमेटो, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 से 4 लहसुन की कलियां ली है, 1 कप काजू लिया है और 2 चम्मच हमने फ्रेश क्रीम लिया है। तो चलो बनाते हैं काजू मसाला। पहले तो हम काजू को रोस्ट कर लेते हैं। उसके लिए हमने गैस शुरू कर दिया है। इसमें हम 1 चम्मच बटर ऐड करते हैं। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ऑप्शनल है ये बिल्कुल, बटर ऐड नहीं भी किया तो भी चलेगा। काजू हमारे रोस्ट हो गए हैं। अभी हम गैस बंद कर देते हैं और इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सेम पैन में हम थोड़ा सा तेल डालते हैं। इसमें लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, प्याज थोड़े से सॉफ्ट होने के बाद इसमें हम टोमेटो ऐड कर लेते हैं और इसको चलाते हैं। टोमेटो सॉफ्ट होने तक हम इसको पकने देते हैं। हमारा मसाला भून के रेडी है। अभी हम गैस बंद कर लेते हैं और इसको ठंडा होने के बाद मिक्सर में से ग्राइंड कर लेते हैं। मिक्सर हमारा ठंडा हो गया है। अभी जो रोस्ट किए हुए काजू थे उसमें से 4 से 5 काजू हम ले लेते हैं और उसको इस मिक्सर में ऐड करके ग्राइंड कर लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हमने पैन गैस पे रख दिया है। इसमें हम थोड़ा तेल ऐड करते हैं। इसमें हमने जीरा ऐड किया है। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च ऐड करते हैं, 1 छोटी चम्मच हल्दी और 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर ऐड करते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे। अभी हम इसमें जो मसाला हमने रेडी रखा था भूज के उसको हम इसमें ऐड करते हैं। जब तक मसाले से तेल छूटना शुरू ना हो जाए तब तक हमको इसको चलाते रहना है, कम फ्लेम पे, लो फ्लेम पे। मसाले से तेल छूटना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे हम इसमें पानी ऐड करते हैं। जैसा थिकनेस आपको अच्छा लगता है वैसा पानी ऐड कीजिए। नमक ऐड करेंगे, कसूरी मेथी ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे, और इसको 2 मिनट पकने देते हैं। अभी हम इसमें मलाई ऐड करते हैं। सबसे एंड में मलाई ऐड करना है हमको। इसमें हम इसमें काजू ऐड कर लेते हैं। काजू ऐड करने के बाद हम इसको ज्यादा नहीं पकाएंगे, 1 मिनट में ही गैस बंद कर देंगे। काजू ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो खाने में अच्छा नहीं लगता है। अभी लास्ट में हम हरी धनिया से इसको गार्निश करते हैं। काजू करी बनके हमारा रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट से मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।